सारी टिकट बेचे जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की न्यू ईयर लोहड़ी बंपर, मेरे को जो भी टिकट है सरकारी टिकट है और हर टिकट के पीछे जी हाँ गवर्नमेंट की सरकारी मकान। समर न्यूज तुसी देख रहे हो, मैं हां थोड़े नाल जय वर्मा। इस समय समर न्यूज की टीम रोपड़ विखे खड़ी हुई है, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं इस 2022 दी चोणां नूं लैके लोगों का की कुछ मूड हैगा। एक तस्वीर सांझी करांगे, अजकल काफ़ी घट देखने मिलती है, तो मैं अपने कैमरा परसन को कहूँगा अमित जी तस्वीर दिखा दो, क्योंकि ये तस्वीर जड़िया ने काफ़ी साल पहले देखने मिलदिया सगिया, अनाउंसमेंटा होंदिया सगिया हर एक चीज़ की। सब तो पहला जो जानकारी लोगों देनी होंगी सी तो ये रक्षे जड़े ने गलिया के घूमते ने लाउड स्पीकर ला के, उस एक बंदा बैठा होंगे माइक लैके जो लोगों कई चीज़ा दसदा सीगा। ते वही तस्वीर जिहड़ी है काफ़ी सालों तो बाद सांझी करन दी कोशिश कर रहे हैं। देखो करोना भी आया, करोना दे विच हर एक वर्ग नू काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पिया, पर ये भी वही वर्ग है जिन्हें करोना दे विच काफ़ी तंगी देखी है, क्योंकि करोना दे विच सारी चीज़ा बंद सीगियां, रोज़गार कितना चलता सी, या रक्षा जिहड़ा ये रक्षा भी अजकल बड़े घट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ई रिक्शा चल चुके ने, दूजे थ्री व्हीलर चल चुके ने। तो गलबात कर लें कि आखिर कदों तो सारिया चीज़ा शुरू कीतियां ते किन्ने क दिक्कतां इन्हां हुई ने। सब तो पहला जी ना की है जी थोड़ा? मेरा नाम जीवन शर्मा जी। जीवन जी किन्नी उम्र है थोड़ी? मेरी 70 साल के करीब उम्र है जी। 70 साल के फोन तो बावजूद भी अजकल तो लोग 50 साल के ही घर बह जाते रहे। ये अंदरों जागृति है मेरी और सेहत को तंदुरुस्त रखी दा वजह यह है कि ना कोई नशा, ना कोई सिगरट, ना कोई जर्दा, ऐसे नशे तो परमात्मा ने दूर रखे होया, उस करके इस वेले तक स्फूर्ति जो स्पिरिट है वह परमात्मा की देन है, मैं आशीर्वाद मिले हुआ। जीवन जी काफ़ी घट तस्वीर जी अजक देखने को मिलती है, पहले हों 10-15-20 साल पहला रक्षे से लाउड स्पीकर ला के एक अनाउंसमेंट होंगी सी गलिया के कि अज ये चीज़ हो जा रही है या फिर ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ को अवेयर कर सकते हो। तुसी कदों तो ये अनाउंसमेंट कर रहे हो, किन्ने के साल थानू हो चुके हैं? मैंने अनाउंसमेंट प्रचार करन दा जिहड़ा तजर्बा वो तकरीबन 50 साल तो लगातार मैं करदा रहा, पढ़दा सीगा 6वीं तो लैके 10वीं तक पढ़ाई भी अनाउंसमेंटा दे जरिए की है, और उस तो बाद 10वीं करन तो बाद नौकरी दे वास्ते तलाश करते रहे, जब माहौल नहीं होया नौकरी का नहीं बने आसार तो उदों ये अनाउंसमेंट का काम पूरी लगन दे ना कि जे काम किया तो सब तो वक्री पहचान हो, पता चले कि कोई अनाउंसर है जिहड़ा कि भाषा का सही इस्तेमाल करता, और जो उन्हें कस्टमर ने उन्होंने जिस मकसद लिए बुक करते हैं उन्हें दी डिमांड पूरी करता। तो की माइंड दे विच आया सीगा जदों शुरू किया सी, किन्ने मोटिवेट किया, किन्ने जागरूक किया कि ये भी कम हो सकता? उस समय 50 साल की गल कर रहे हो तो काफ़ी घट लोग ये चीज़ा करते सीगे। बस ही घरेलू गरीबी के हालात के कारण मजबूरी दे विच शुरू करना पड़ा काम है जी, और जदों शुरू किया तो पूरी लगन दे ना अज इसका नतीजा मैं ये मिलया कि मेरे बच्चे बड़े लायक ने, पढ़े लिखे ने, अच्छी जॉब करते ने, और मैं इसे दे अनाउंसमेंट के जरिए प्रचार कर करके मेहनत कर करके उन्होंने सही दिशा प्रदान की। तो सब तो पहला जो अनाउंसमेंट की थी किन्ने कमाई हुई थी? 3 रुपए दिहाड़ी से मैं अनाउंसमेंट का काम शुरू किया, सारा दिन बोलना और स्पीकर तो इलावा दूसरे से औजार भी सिस्टम सन जिस दे नाल बिना स्पीकर तो भी अनाउंसमेंट का तजर्बा मेरे को है। किड़ी किड़ी चीज़ा की अनाउंसमेंट की हाले तक कि तजुर्बा है? मैनू तकरीबन किसी प्रकार का कोई कमी ही नहीं रही, इतिहास लिखा जा सकता मेरे को अनाउंसमेंटा के मतलब, क्योंकि सारी उम्र हो गई एक तरह की 50 साल थोड़े नहीं होंगे, उस दे विच हर व्यापारिक पहलू दे नाल मैं जुड़िया रहा, और खेडां दे मुतलक जड़े मैच होंदे रहे ने उन्हां दे नाल भी जुड़िया रहा, ते राजनीतिक पहलू ते बड़े बड़े लीडर जिन्हां दे नाल मैनू
अनाउंसमेंट प्रचार करन दा मौका मिलिया, उस दे नाल मेरी पहचान वाकई रोपड़ दे विच सब तो अलग है। केड़े वड्डे वड्डे लीडरां दे नाल काम कीता सी? स्वर्गीय अपने ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्हें दे भतीजे बसंत सिंह जी, और इस तो इलावा सरदार दरबारा सिंह जी, ते इस दे नाल अकाली लीडर जिन्हां दे विच अपने संत बाबा अजीत सिंह जी, मास्टर तारा सिंह जी लाडल, जिन्हें भी उच्चे अहुदे ते रहे उन्होंने सारे मेरी सेवा पहला लीती है। और काफ़ी दिग्गजों तुम जानते हो सियासत दे, पंजाब की सियासत नू देख के दिमाग दे विच की गल्लां आंदियां ने? इस वेले पंजाबी सियासत नू वेखदे ये नज़र नहीं आता कि लीडर जड़े ने ओह जनता दे फायदे दे बारे सोचते, वो सिर्फ अपना मकसद, सिर्फ अपने चापलूसी मन लुभावनियां गल्लां लालच दे के असी आ करांगे आ करांगे तुहाडी फ्री सेवा करांगे, इन्हां दे नाल वो अपनी जमीन तैयार कर रहे। बाकी जो जनता ने अखीर फैसला करना, जिस दिन वोटा पैण गियां जनता सही रस्ता प्रदान करे, असी एहो उम्मीद करदे आ कि पंजाब साडा खुशहाल बसे, उन्नति करे, एहो मेरी दुआ है परमात्मा की। जदों तो तुसी पंजाब जम्मे पंजाब दे विचों या फिर और कितों आए? इसे रोपड़ दे विचे मैं पंजाब च पैदा होया, और चाहवांगा कि अखीरला वक्त भी पंजाब दी जमीन ते ही मैनू पंजाब दी गोद दे अंदर पूरा करा। रोपड़ नाल इन्ना प्यार हैगा? मैनू अपनी रोपड़ नाल, क्योंकि इत्थे जम पल मैं इत्थे दा ही हां, और इत्थों मैनू हर इज्जत मान मिलिया, इस करके मैं रोपड़ दे नाल बड़ा लगाव है, मैनू प्यार है और प्यार सदा रहेगा। रोपड़ दी गली गली तुसी घूमते हो, अनाउंसमेंट करते हो, की चीज़ां दिखदियां ने हर पाँच साल दे विच? लीडर वादे तो बड़े कर देंदे ने, पर लगे कि रोपड़ का विकास असल दे विच होया? वेखो जी, विकास संबंधी जड़ी अमल है लीडर दे, उस दे विचों कुछ क लीडर ने यानी कि इन्हां नूं अमल च लिया के सुधार भी किए ने, लेकिन अमूमन मौका प्रस्त लीडर इत्थे महाराज जी राजनीति दे विच ने, जिन्हां ने मौके का पूरा अपना फायदा लैके अपना अग्गा सवारिया, बनिस्बत जनता का फायदा कर। लगता है कि रोपड़ नाल जिहड़े वादे किए सी, रोपड़ के लोगों नाल वादे किए सी कि रोपड़ नूं चमकाना है, रोपड़ के लोगों लई ये कम करने हैं, वो कम पूरे होए ने? या फिर रोपड़ की गली गली घूमते हो, लगता है कि जदों साइड के देखते हो कूड़ा कचरा देखते हो, खड्डे देखते हो रोडों के, तो लगता है कि असल दे विच जो वादे उन्होंने किए सी वो पूरे हो चुके ने? वादे पूरे भी करते हैं, लेकिन थोड़े अधूरे भी छड़ते हैं, कि एहजिया खामिया रहनगियां, तो अगे नूं कहन जोगे रहांगे कि सानूं वोट दिओ असीं आवांगे ते महाराज जी ये सुधार करांगे। तो रोपड़ दे विच तुसीं भी देखिया होना कि एक तरफ मीह पै रहे सी, दूजी तरफ सड़क बन रही थी, कदे देखिया सी पहला मीह दे दौरान सड़क बनते हुए? नहीं जी, ये गल नहीं देखी सी, वो ये पहली बार देखिया कि रोपड़ दे विच बेला रोड से भी सड़क बनी है, वो बारिश के अंदर भी सड़क बनती रही है, टुट भी चुकी है सड़क, वो भी देखी है इस बारे में। तो हुण पंजाब की सियासत, हुण अगर गलबात करिए तां तुहाडे रोपड़ की पिछले पाँच साल के कम किहड़े किहड़े देखते हो जिहड़े होए ने? रोपड़ के बहुत अच्छा हुण सुधार देखने मिलिया, सड़कों का निर्माण होया, बाईपास बने ने, और इस तो इलावा जो सेंटर गौरमेंट वालों सड़क बनाई गई है 21 मील की, उस दे विच भी बहुत अच्छा विकास रोपड़ दे विच होया, क्योंकि रोपड़ दे विच पहला बड़िया परेशानियां सीगियां सड़क का सही काम ना होने की वजह दे नाल, लेकिन हुण उस दे विच थोड़ा सुधार है। बाकी असीं इह चाहुंदे हां कि हुण जो अगली सरकार आएगी वो ये काम पूरे करेगी जो अधूरे ने। तुसीं दस्सिया कि तुहाडा घर हुण ठीक चल रहे है, तुहाडे बच्चे काबल ने, पर ये करोना टाइम दे विच किस तरह दे नाल तुहाडी जिंदगी चली? करोना टाइम दे विच भी असी समाज सेवा दे विच भी अपना प्रचार का सहयोग देने, जनता नू कई बार असी
बोलते बोलते महाराज एक गल बेनती करते हाँ कि करोना नियमों की पालना करो। उस दे विच साडे नाल प्रशासन भी बड़ा खुश हुंदा इस गल कि भाई बिल्कुल सही है, एक नागरिक होने के नाते असी इस नूं अपना फर्ज समझते हैं और इस नूं अदा करते रहेंगे। रोटी पानी की दिक्कत तो नहीं आई करोना दे विच, क्योंकि मुड़ तो कह रहे हैं कि पंजाब के हालात कितना कितने बदल रहे हैं, ओमिक्रोन मुड़ तो आ चुके हैं, फिर मुड़ तो लॉकडाउन लाया जा सकता अगर केस बढ़ने तो। वेखो जी करोना के दिनों के व्यापारिक सानू बहुत नुकसान होया, लेकिन उस दे नाल सानू इस गल बारे भी ज्ञान होया कि अगे तो ये नियमों की पालना लाजमी करनी है ताकि ओमिक्रोन की मार तो बचा जा सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गलबात करने की कोशिश की है क्योंकि पिछले 50 साल तो गली गली अनाउंसमेंट की, हर तरह की अनाउंसमेंट की है, करोना काल के अनाउंसमेंट भी की है, तो कई दिक्कत आई, कई दिक्कत का सामना जोड़ा करना पे, तो जानने की कोशिश की है कि क्योंकि पिछले 50 साल तो अनाउंसमेंट कर रहे थे, सियासी अनाउंसमेंट भी की है, बड़े बड़े सियासी दिग्गज नाल इन्होंने कितना कितने अनाउंसमेंट स्टेज भी शेयर की है, तो पंजाब की सियासत में किस तरह देखते हैं, तो तमाम गलबात को लैके तुम की सोचते हो सू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित पाठक के नाल जय वर्मा, सोमन न्यूज़, रोपड़।